अस्सलाम वालेकुम आदाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़्यादातर डिसीजंस हम इस बेसिस पे लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्यों हमारे डिसीजंस हमारे हिसाब से नहीं होते हैं। चार लोग के चार तरह की सोच और पर्सपेक्टिव, क्या हम चार तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, वो हमारा होना चाहिए। लोगों का अपना नज़रिया होता है, किसी को हम बहुत अच्छे, किसी को हम बहुत बुरे लगते हैं एक ही टाइम पर। लोग आपकी हेल्प नहीं करते आपकी प्रॉब्लम्स में, लोग आपकी कामयाबी में खुश नहीं होते हैं, आपके फेलियर पे, आपके बुरे वक्त में वो आपको टॉन्ट करते हैं। इनफैक्ट वो बस चार बातें करते हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती, वो आपको डिस्करेज करते हैं। बताए थे कि चार लोग गलत नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो उनका काम होता है तरह तरह की बातें करना, और वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हैं। गलत हम हैं कि हम उनकी बातों पे ध्यान देते हैं, लोग क्या सोचेंगे हर वक्त ये सोचते हैं, अपनी लाइफ को उनके हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न्स देते हैं। कोई भी डिसीजन जब मेरे को लेना होता है तो मैं थ्री थिंग्स चेक कर लेती हूँ, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड इन्हें चेक कर लेना चाहिए। मेनली ये डिसीजन आपके लिए अच्छा और सही होना चाहिए। देन कम्स, क्या आप खुश हो अपने डिसीजन से? द लास्ट वन, के रिज़ल्ट जो भी हो आप सेटिस्फाई रहोगे। काफ़ी टाइम से ये बात मेरे मन में थी, मुझे लगा कि मुझे इस पर व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो थ्री वर्ड्स हैं ना, ये थ्री वर्ड्स ने बहुत सारी लाइफ को स्पॉइल किया, बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा नहीं होने दिया। मैंने ये बात अपने फर्स्ट व्लॉग में भी कही थी कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स एंड कंडीशन। आप क्या सोचते हो ये मैटर करता है, लोग क्या सोचते हैं ये नहीं मैटर करता है, और अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। यू कैन चेंज द थिंग्स बिकॉज यू आर ब्रेव। खुदा हाफिज़।